हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मित कोटक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमने यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसको एग्जीक्यूट किया, वो जो आउटपुट है वो 3 और 4 बार दिखा रहा है। हमारे प्रोग्राम में हमने एग्जीक्यूट एक ही बार किया था, पर यहाँ पे वो 3 से 4 बार दिखा रहा है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन जो कि CLRSCR, उसका मतलब है क्लियर स्क्रीन, वो लिख देंगे और फिर हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखते हैं, हम यहाँ पे एक एरर नज़र आती है। क्या है? फंक्शन CLRSCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कि उसकी जो हेडर फाइल है वो यहाँ पे उसे नहीं मिल रही, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हैश इंक्लूड conio.h, CONIO, conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। जैसे कि हमने हेडर फाइल ऐड कर दी, उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, एरर जो थी वो चली गई और अब हम देखते हैं। देखिए, एक ही बार वो जो आउटपुट है वो हमें दिखाई देगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम यूजर इंटरेक्शन करके वैल्यू को प्रिंट करेंगे।